एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी, इसका इस मैनिफेस्टो नहीं, ये कर चुके हैं जी। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया, ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ, ना कोई कमीशन बना, धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया। अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। तो ये किसका कटता है? एसटी एससी ओबीसी का ही कटता है। जब ये बात मैंने कही कि हम ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सतत सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं। संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते देश की जनता को? देश की जनता ये सब नहीं जानती है? देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो जी। आप लोगों को भी पूछना चाहिए, मगर आप लोग सवाल हमें ही पूछते हो, उनको नहीं पूछते। नहीं नहीं, जरूर उनसे भी पूछ रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण करा है। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री, पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी, हमने देने का काम किया। नैरेटिव बनाने की ये कोशिश है कि 400 पार अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज करेंगे, उसके बाद फिर ओबीसी एससी एसटी के जो है रिजर्वेशन के संग आप लोग कुछ वो बदलाव करेंगे। देखिए, नैरेटिव बनाने की कोशिश, राहुल जी हमारे पास 10 साल से बहुमत है जी। संविधान बदलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी को 10 साल से इस देश की जनता ने दी है। हमने क्या किया 10 साल? हमने कभी रिजर्वेशन को समाप्त करने का अटेम्प्ट नहीं किया। हमने ये बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया, यूसीसी लाने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलने में किया, कश्मीर के अंदर शांति करने में किया। हमारे पास 10 साल से अधिकार है। राहुल गांधी का एक रूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। वो रूल को वो फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये नैरेटिव इसीलिए इसी बार बार बोलते हैं? नहीं, तो बनता है नैरेटिव। हम 10 साल से अधिकार प्राप्त किए जी,